त्री में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने जन्मदिन के अवसर पर रविवार को धमतरी में आयोजित बौना तिहार के अवसर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धमतरी के 80,238 किसानों के खाते में 112,41,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, उन्होंने धमतरी में पहले भी सभाएं की हैं, लेकिन ऐसी सभा पहली बार देख ही रहे हैं। माँ विद्यावसिनी की कृपा से धमतरी जिला को सार रहे। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जन्मदिन के अवसर पर उनका भी जन्मदिन आता है। कांग्रेस को आड़े हाथ देते हुए कहा कि उनकी सरकार थी, उनका भी मुख्यमंत्री था, लेकिन एक भी बोनस नहीं बांटा गया। अब जब हम बोनस बांट रहे हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। अभी तो ये त्योहार है, इसके दिवाली के बाद एक और त्योहार मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विधायक सांसद क्षेत्र में जाकर ग्रामीण आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस वितरण करेंगे। लोकार्पणों का शिलान्यास में धमतरी रायपुर फोर लेन बाईपास भी शामिल है। कार्यक्रम में मंत्री अजय चंद्रकार, रामशीला साहू, महेशगंज सांसद चंद्रुला साहू, विक्रम उंडेड़ी सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री लगभग 1.5 घंटा देरी से कार्यक्रम पहुंचे थे। 1 घंटा धमतरी में रहने के बाद रायपुर के लिए खाना हो गए। गांव में बिजली किसी जिले में लगा है तो धमतरी जिले में सबसे ज्यादा बिजली का विस्तार है, जो गांव में हो गए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य है। हमारी बहनें दोनों तरफ बैठी बहुत बड़ी संख्या में, मैं बहनों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। धमतरी जिले के खासतौर से जो कीर्तिमान स्थापित किया है, छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में भी उसी दिशा में चलना चाहिए। संस्था का प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी धमतरी जिला ने छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रतिशत 97% से धमतरी जिला स्वास्थ्य के इंडिकेटर से था। धमतरी जिला का धान की खरीदी में धमतरी जिले ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, स्वच्छता में सबसे पहला देश प्रदेश में ओडीए जिला बनने का काम, धमतरी नगर निगम ओडीए बनने का काम, जिले में स्वच्छ रखने का काम आपने किया है। किया गया है जो आज तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसान ने किया गया है, और आज 2300 बाईपास रायपुर रायपुर से आगे इसका आज लोकार्पण और भूमि पूजन का हुआ है। ये धमतरी की सबसे बड़ी मांग थी और उस मांग को आज पूरा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस साल के अंदर मांग पूरा हो जाए और इसके साथ ही साथ धमतरी की विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ के आज लोकार्पण हुआ। मैं धमतरी के विकास के लिए जो मांग आगे बढ़ाया, मुझे खुशी है। धमतरी ऐसा जिला है जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है। अंधेरिया होने में, संस्थागत प्रसव में, बिजली के विद्युतीकरण के काम में, स्वच्छता में, तो एक आदर्श जिला के रूप में धमतरी विकसित हो, यही मेरी। सर मुकाबला किससे है, कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस से? अब ऐसा है कि मुकाबला के बारे में आज तो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में तो प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस ही है। जोगी बीच बीच में कितने कमाल करता है देखते हैं। सर ये जल सरोज पांडे ने कहा है केरल में अगर कोई संघ के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाली जाएगी, सरोज पांडे ने कहा। कोई बयान देता उसे मैं क्या बयान। सर ब्रह्मास्त्र क्या है, कितने बजे तक रहेगा? एक मिनट जी मैडम, कितने लोग को ट्राइसिकल साइकिल वितरण किया गया बताएं? आज के सीएम कार्यक्रम में 1000 महिलाओं को, जो महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उनको साइकिल वितरण एवं 10 पुरुष हितग्राहियों को ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 30,000 अनुदान राशि के रूप में कुल 3,00,000 रुपए का वितरण सीएम महोदय के द्वारा किया गया है। ठीक सर, आज कितने फॉर्म आए थे और कितने लोग को ट्राइसाइकिल मिले? 27 लोगों के आवेदन पहले से ही स्वीकृत थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते मात्र 5 लोगों को ट्राइसाइकिल मोटराइज दी गई तथा माननीय सीएम साहब द्वारा एक हितग्राही को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया गया। शेष सारे हमारे जो हितग्राही हैं कल 11 बजे उनको कलेक्ट्रेट बुलाया गया है, कल सारे को सबको दे देंगे। सर सिर्फ ट्राईसाइकिल है कि और कुछ? ट्राईसाइकिल है, 5 मोटराइज ट्राईसाइकिल है, 1 व्हील चेयर है, 10 विशिष्ट पहचान पत्र है,
सात विवाह प्रोत्साहन के चेक मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के।